व्हाट्स अप गाइस, ठोपे वाला वाइबिंग। तो अभी मैं और आबा एक बाथरूम का कोशिश कर रहे हैं, एक बाथरूम का शेल्फ असेंबल करने की, और इन चीजों में मेरी अकल बिल्कुल नहीं चलती है। आई डोंट इवन नो अगर ये मैं कर पाऊंगा या नहीं। पहला स्टेप देखो, यहाँ पे गाइड है। अरे भाई क्या है ये, एक सेकंड। ये लेग है। पेज का है इसका। पेज क्या होता है? स्क्रू। स्क्रू। इसमें क्वांटिटी लिखी है, कितने स्मॉल है, कितने बिग है? हाँ, बिग 3, स्मॉल 6, नट्स 9। इस टाइम लास्ट में हमने कोई प्रोग्रेस नहीं बनाया, इनफैक्ट आई थिंक हम थोड़ा पीछे ही चले गए। ओके, तो शुरू करते ही हम हक दिए थोड़े से। ये अटक गया है यहाँ पे। फाइनली डन। कितना टाइम लगा? आधा घंटा। हाँ आई थिंक आधा घंटा से ज़्यादा लगा, फुटेज देख के बताऊँगा। नहीं लग गया, देखो ऐसा लग रहा है अभी। यहाँ पे फॉलो बिकॉज एक कोने में जाएगा इन द बाथरूम, समथिंग लाइक दिस। अमेजोन पे ऐसा कुछ मिलता है, लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू गाइस गेट इट। मिलता है अमेजोन पे? अगर तुम लोग ऐसे ज़्यादा ऐसे परचेजेस करते हो, गेट इट, इट्स वेरी हेल्पफुल। तो अभी मैं और आबा मिलकर केक खाएंगे, बिकॉज इट्स अ स्पेशल ओकेजन। आज आबा का बर्थडे है। एक्चुअली आई डोंट नो, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब नहीं होगा, बट टुडे 9 जून इज हर बर्थडे। और ये केक मैं कल 12 बजे लाया था, सो वी कट इट एंड एंजॉयड इट। और फिर से हम एंजॉय करेंगे विद टी, इवन दो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है ना। कमेंट्स तो अच्छा लगता है क्योंकि मैं शुगर नहीं लेती। हाँ हाँ, बट एवरीवन इन द कमेंट्स गो विश हर अ हैप्पी बर्थडे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी हम जा रहे हैं शी, विच यू ऑल माइट नो कि इट्स माई फेवरेट प्लेस, और इवन दादू को भी बहुत पसंद है शी, आबा को भी बहुत पसंद है। कौन बोल रहा है? कौन बोल, कोई नहीं रहा, मैं वीडियो बनाता हूँ ना दादू यूट्यूब। तो आबा का बर्थडे तो कल था, कल हमारा प्लान था कि हम ऑर्डर करेंगे रात को, एंड यूजुअली 11 PM तक डिलीवरी चालू होता है, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन 10 बजे में ऑर्डर किया एंड इट वॉज शट, विच इज हम आज जा रहे हैं। इवन दो वी कुड हैव ऑर्डर फ्रॉम अदर प्लेसेस, वी ऑल वांट टू गो टू शी। दादू के एक बहुत फनी बात है, जब भी ये कहीं जाने को रेडी हो जाता है ना, ये सबसे पहले रेडी होकर बैठ जाता है, एंड देन एवरीवन एल्स विल गेट रेडी, एंड व्हेन एवरीवन इज रेडी, लास्ट सेकंड में इनको किचन में जाके कुछ करना होता है। गाड़ी जो है बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। ये तो थम्स अप का बॉटल है, ये कम से कम 2 महीना पुराना है। Then pick it up if it bothers you. I should really clean my car. बहुत ज्यादा भूख लगी है, ओह माय गॉड, सुबह से कुछ नहीं खाया। एवरी टाइम वी कम हियर मैं मेन्यू को देखता भी नहीं हूँ, आई जस्ट स्ट्रेट अप ऑर्डर द चिकन मंगोलियन। आई बीन कमिंग हियर जब से आई थिंक आई वाज 2 साल का था या 3 साल का था, मुझे याद भी नहीं, बट हमेशा मैं चिकन मंगोलियन मंगाता हूँ, आई नॉट इवन ट्राइड एनीथिंग एल्स। ये है चिकन मंगोलियन विच आई टॉक्ड अबाउट, नथिंग बीट्स इट। अगर आप कहीं यहाँ पे पास में रहते हो, प्लीज कम हियर एंड हैव दिस। ये भी लो ना दादू, बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया। अच्छा था, बहुत मजा आया। दिस वन इज लिटरली माय फेवरेट मील, शी मंगोलियन चिकन एंड एग फ्राइड राइस विद एक्स्ट्रा एग। कभी आके ट्राई करो यहाँ पे। एनीवेज, आबा और दादू घर चले गए रिक्शा में, एंड आई एम हेडेड टुवर्ड्स द जिम। अभी 2 घंटे में जिम शट होने वाला है। साकेत से भी मेरी बात हो गई है, आई थिंक दोनों साथ में ही पहुंचेंगे जिम में। ओ गॉड, पेट बहुत भरा हुआ है। अकेले संचित को कुछ शूट करना है, विच इज आई, मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा ये खाना डाइजेस्ट करने को। ऑल्सो वन मोर थिंग, इस ब्लॉग का टाइटल देख के आपको लग रहा होगा कि जो रेयर ओकेजन है वो आबा का बर्थडे है, विच इज काइंड ऑफ अ कोइंसिडेंस। मैं कल प्लान नहीं कर रहा था कि मैं फिल्म करूंगा उनके बर्थडे पे, बिकॉज आई एम हेडेड टुवर्ड्स द जिम और मैं ट्रेन करने वाला हूँ लेग्स। क्या बात कर रहे हैं? लेट्स सी अगर मैं इस बार कंसिस्टेंट रहता हूँ कि नहीं। पर्सनली मुझे नहीं लगता मैं रहूंगा, बट देखते हैं। अभी अभी मैंने संकेत को देखा नीचे आ रहा था, आई डोंट नो अगर वो -2 पे गया हो या -3 पे।
ओह आई थिंक वो -3 पे ही गया है। ए संकेत, तुझे फ्लैशलाइट की जरूरत है। तो तुझे नहीं है ना? प्रेजेंट नो। गुड ना? मुझे लिटरली याद भी नहीं कि लेग डे का वार्म अप कैसे स्टार्ट होता है। अभी आई ट्राइड सेटिंग बट आई फॉरगॉट द अरेंजमेंट। साकेत मुझे हेल्प करेगा। ओह नॉक डाउन। हाँ बट हाउ डू आई डू इट? पहले 90 डिग्रीज पे रख। या नाउ स्विच टू द साइड। या 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 एग्जैक्टली दैट ओपन्स अप योर हिप्स। Yeah, do that like 20 times. The hips will be feeling very light, na? Emotionally, they open up so much. Here comes the most rare thing in my life. मैं अभी यहाँ पे बैठने वाला हूँ and कुछ reps करने वाला हूँ. It's burning my quads, bro. Even this. Already? Way. Yeah. It's okay. Don't go too hard today, okay? Yeah, चल नहीं पाएगा घर. I'll go very soft. Burning? Yeah bro, I haven't felt that burn bro, it's that lactic acid. How much is it? 10? 1.5 plate. 1.5 plate. Hip mobility is actually really good. Yeah? Yeah. I don't know, something's very bad. I don't know what. You're hitting depth very nicely. Yeah? Yeah. I don't know. Thanks. You're gonna wake up with the biggest leg pump tomorrow. Yeah. Just biggest quads, bro. Yeah. Just big Rami quads. I've been telling him since when to train legs. He's just been ignoring it. He's like, yeah bro, tomorrow legs. He comes. I'm actually training push today, bro. Aaj agar Saket mere saath nahi hota, I would have done 8 sets of leg press, then 4 sets of this, and no, 9 sets of leg press, 11 sets of handspring. Yeah. Aur fir ek saal ke liye wo bolega so raha hai. Gajab bejati hai. But abhi maine leg press ke 4 sets kiye and Saket said that's enough. Aur abhi leg extension. Arey, don't say Saket said that's enough. I'm your coach, yaar. You are my coach today, Sanchit. Sanchit the coach. Anyways, so abhi mujhe leg extension nahi karne, just leg curl. Not till failure. And not till failure. Only till 2-3 reps away from failure. Will pass. चल बाय। See you tomorrow. Yeah. Pull ना और push. नहीं tomorrow I have pull. तेरा pull है? हाँ तो हम pull पे मिलते हैं फिर। I would say mini workout tha. Thank God Saket was there. अगर वो नहीं होता मैं I would again get carried away और फिर मैं अगले 5 दिन के लिए वापस sore हो जाता. I feel like मेरे legs कल बहुत कम sore होंगे और परसों तक वो आराम से recover हो जाएंगे. और अभी अभी मेरे दिमाग में एक चीज आई. अभी कई लोग पूछते रहते हैं अभी भी कि vibe क्या होता है, what is the meaning of vibe, bro how to vibe. अभी मैं आपको छोटा सा example देता हूँ कि vibe क्या होता है. अभी मैं घर जा रहा था जिम से और मैं रोज गाड़ी में म्यूजिक सुनता ही हूँ, लेकिन आज मेरे को फॉर सम रीजन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था म्यूजिक सुनने को. लाइक मैं फुल अच्छे वॉल्यूम पे मतलब ब्लास्ट कर रहा था एंड यू नो Eminem, Travis Scott ये सब. एंड देन आई वॉज जस्ट लाइक यार मुझे घर पहुंचना ही नहीं है बस. आई जस्ट विश कि मेरा घर भी उतना ही दूर जाते रहे जैसे मैं घर के करीब जा रहा हूँ. एंड देन आई रियलाइज कि ओ पुलिस. एंड देन आई रियलाइज कि मुझे घर जाने ही क्यों चाहिए अगर मैं म्यूजिक इतना एंजॉय कर रहा हूँ. तो फिर मैंने तालिब को फोन लगाया क्योंकि वैसे भी वो आज स्लीप ओवर को आ रहा है. सो इट मेक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ सेंस टू जस्ट मीट हिम राइट नाउ. तो हाँ अभी आई एम गोइंग बैक एंड मुझे उतना ही और म्यूजिक सुनने को मिलेगा. इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जांपल बट आई डोंट नो अभी मैं आई विल गेट बैक टू लिसनिंग टू माय म्यूजिक. बाय. व्हाट आर यू ईटिंग? आई एम सोया. तो तालिब ने अभी सोया बनाया एकदम यू नो टमाटर प्याज काट काट के बिकॉज ही डजंट लाइक सोया तो उसमें फ्लेवर डालने के लिए ही एड्स इट. और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ही इज बीन गिविंग मी दिस वेरी जंक फूड्स. पहले तो यहाँ पे सोया स्टिक्स है वो ऑफर किए. उसके बाद ही गिव मी वन बिग पीस ऑफ ब्राउनी जो मैंने खत्म कर लिया. प्रिंगल्स भी मैंने ऐसे दो चिप्स खाए एंड नाउ ही वांट्स मी टू हैव अ बाइट ऑफ श्रीखंड. और ऑरेंज जूस का मेरा सेकंड ग्लास है. कभी मैंने लाइफ में ऑरेंज जूस में नींबू नहीं मिलाया बट तालिब डिड इट एंड इट एक्चुअली टेस्ट वेरी गुड. एंड नाउ फॉर द श्रीखंड. अच्छा श्रीखंड कोच. गुड. You can't have like
more than one or two spoons. Yeah, it's not like ice cream. It's not like ice cream. It's like nose cream. You didn't understand? I understood, but it was very bad. Soya in general tastes very bad. इसने सोया में मैगी मसाला डाला है। अरे वाह, good idea. Did Saket tell you that or you discovered on your own? No, I discovered on my own. Pehle I used to put all the normal masalas. Like, होता है ना red, yellow, all that. I used to put that. Then this I saw this मैगी का दो sachets. मसाला sachets. It's supposed to be put in सब्जी only. So I got that. Pretty good. I just put in this. Very easy. You just put salt in that. Ow. Pretty good. अरे my wisdom tooth coming out तो मेरे को दर्द हो रहा है. You remember the thumbs up bottle? Wow, that's good. Like 3 months old. Yeah. हम लोग महाबलेश्वर गए थे 3-4 महीने पहले for one night and तब से ये वहीं पे पड़ा है and बीच में the quantity reduced but we don't know who drank it but हम दोनों that's a mystery bro. Yeah, but हम दोनों को बुरा लगता है उस आदमी के लिए. हेलो, आज थोड़ा वाटर इनटेक कम हो गया. आई डोंट नो बिकॉज मैं घर पे था नहीं ना, अभी जिम्स खोल गए विच इज आई बाहर जाना ज्यादा हो गया. तो ये अभी लेट्स फिनिश दिस राइट नाउ. ये है शायद 750 ml की बॉटल है, 800 ml की बॉटल है. और सो मैंने पढ़ा था कि बैठ के पानी पीना इज बेटर. यंग किड्स हुआ वॉचिंग ये, आई डोंट नो इफ इतना सारा पानी एक साथ पीना इज हेल्दी. अवॉइड इट. अच्छा बिल्कुल नहीं टूटा. थैंक यू. अभी आई हैविंग डिनर, तालिब पाव भाजी खाएगा एंड आई एम हैविंग माय एग्स. पाव नहीं है घर पे, तो वो ब्रेड के साथ भाजी खाएगा. समथिंग दैट इट्स टफ फॉर मी टू डू क्योंकि पाव में वो अलग टेस्ट रहता है ना, अलग रहता है वो मैदे का फील आता है. हाँ नहीं बट यूजुअली मैं खत्म कर देता हूँ ना. आज नहीं खाया. तबलेश यू विल हैव टोस्ट like toast or bread with bhaji? Plain bread. Dikha. Nahi, thoda aur. Ghar pe pav bhaji bhi thi and idli sambar bhi tha but Talib associates idli with breakfast. Aur mujhe aisa koi rule hai nahi. Anyways, the reason I'm not eating pav bhaji or idli or all that because kyunki main subah bhi shi khaya, fir Talib ke ghar pe bhi brownie khaya hai aur fir kya kya khaya bro tere ghar pe? बेसिकली यार बहुत सारा जंक खा लिया मैंने. मैंने ये जो एक प्रोटीन मील है अंडे का वो मैंने स्किप नहीं किया बिकॉज यूजुअली आई हैव लाइक 3 meals वे प्रोटीन, अपना अंडा और चिकन. तो ये मेरे 3 protein के मील रहते हैं एंड देन आई हैव 2 shakes जो 500 कैलोरीज के रहते हैं एंड एवरी टाइम आई चीट आई रिड्यूस दैट फ्रॉम द शेक्स. मतलब अगर मैं थोड़ा चीट मील खाया तो आई हैव 1 shake इनसाइड और बहुत ज्यादा चीट मील खा लिया तो आई वोंट हैव एनी शेक्स. बट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन प्रोटीन मील्स इज नॉट वेरी, इट्स नॉट अ स्मार्ट आइडिया. कभी कभी करता हूँ बट इट्स नॉट स्मार्ट. बर्थडे के कल का यू हैव टू ईट लिटिल बिट. टोस्ट पे मक्खन थोड़ा लेट लगाया तो इट्स नॉट पिग्लोइंग. तो एक थोड़ा सा ट्रिक आपके लिए, जस्ट डू दिस, पिघल जाएगा. देखो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मक्खन पिघले, अदरवाइज आई'ड रादर नॉट. डैम गुड ब्रो. तो अभी 12:10 हुए. तालिब सरप्राइजिंगली वांट्स चाय. यूजुअली ही नेवर हैज चाय. नहीं मतलब यू हैव चाय. हाँ ये ही हैज वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स कि मॉर्निंग में चाय एंड 3 बजे कॉफी. बट एनीवेज अभी मैं चाय बनाऊंगा एंड इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं. यू गिव इट नाउ. क्या बोलूं, जो भी तेरे को बोलना है ब्रो. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना. बस ना. हाँ ठीक है ना, ठीक है ना. फिर मैं कहाँ कर बोल रहा हूँ तेरे. तो करना, तो करना.